एकता कपूर चाहे जितने भी पाप कर ले, कितनी भी गंदी वेब सीरीज बना ले, कितने भी गंदे सीरियल बना ले, चाहे सेना के खिलाफ हो, चाहे साधु महात्माओं के खिलाफ हो, या किसी बच्ची के यौन शोषण को लेकर, ये ताजा ताजा आरोप इनके और इनकी मां शोभा कपूर के ऊपर लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि गंदी बात सीजन 6 में छोटी बच्चियों को गलत तरीके से वहां पर दिखाया गया, गंदी बात वेब सीरीज में उस क्लिप्स को हटा दिया गया है। लेकिन उस शख्स ने बोरीवली में केस किया है कोर्ट में, और जिसके तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इनके ऊपर होना कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर 100 केस लाद दो, 100 केस कर दो, FIR कर दो, कुछ भी कर दो, इनको कुछ भी नहीं होना है। अदालतों में जाते ही ये मामला पता नहीं कहां से गायब हो जाता है कि इनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। और एक आम शख्स अगर हेलमेट नहीं पहना है, सड़क पर चल रहा है विदाउट हेलमेट, तो उसका चालान काट दिया जाता है। रेलवे में यात्रा कर रहा है विदाउट टिकट, तो उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, 1200 रुपए फाइन मारे जाते हैं। दुनिया भर के केसेस सिर्फ आम जनता के लिए है, बाकी इन पैसों वाले के लिए कुछ भी केसेस नहीं होते हैं। गंदी बात वेब सीरीज में यह भी आरोप लगाया गया कि इस सीरीज में साधु महात्माओं को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, गंदी चीजें करते हुए दिखाया गया। और पॉक्सो एक देखिए बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन एकता कपूर और उसकी माँ को कुछ भी होना नहीं है, बल्कि सरकार तो उनको पद्मश्री से सम्मानित कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए था। सेना का अपमान जिसने किया, इस तरह की गंदी वेब सीरीज बना रही है, लेकिन क्या करे, स्मृति ईरानी बड़ी करीबी है, तो सरकार को यहां पर तो भाई कोसना बनता है कि सरकार ने गलत काम किया है। ऐसे लोगों से अब जब आरोप लगाए, कहा यह रहता है कि किसी के ऊपर अगर उसको पद्म भूषण या पद्मश्री जैसे सम्मान दिए गए, अगर उसके ऊपर कोई मर्डर के या इस तरह के चार्जेस लगते हैं, केस होते हैं, तो उससे उसका अवार्ड छीन लिया जाता है। लेकिन क्या यहां पर एकता कपूर से पद्मश्री छीना जाएगा, ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन अगर ये केस साबित होता है, जो कि होगा नहीं, इसकी तो हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पिछले कई सालों से हम यही बोल रहे हैं कि बॉलीवुड के ऊपर कितने भी केस हो जाए, सजा इनको नहीं होनी है। सजा अगर कोई दे सकता है तो वो ऊपर वाला देगा, जो कि इस वक्त बॉलीवुड को मिल रहा है अलग अलग तरीकों से।